guys, I'm Garima and this is your lecture number 2 for the anatomy in flowering plants, the second part. ठीक है, अब देखो हम लोगों ने first part में types of ground tissue पढ़ा ना, ground tissue, vascular tissue, epidermal tissue system सब देखा. ठीक है, एक बार वापस revise करो. epidermal tissue system, epidermal tissue system में क्या पढ़ा? outer layer epidermis, क्या क्या होगा? epidermal cells होंगे, stomata होगा, और क्या होगा उधर? और you will be having your epidermal appendages. साथ में epidermal appendages के साथ में क्या था? trichomes and hairs. root hairs कैसा होता है? unicellular. trichomes कैसे होते हैं? multicellular. ठीक है, stems के अंदर epidermis के ऊपर एक layer होती है, क्या बोलते हैं उसको? cuticle. क्यों होती है वो? to prevent the water loss. ठीक है, अच्छा. उसके बाद हमने गार्ड सेल्स देखे थे, बीच शेप्ड इन डाइकोट्स एंड डम्बल शेप्ड इन मोनोकोट्स. बीच में एक स्ट्रोमेटल अपर्चर था जो गैसेस एक्सचेंज के लिए ओपन और क्लोज होता है ना, गैसेस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन. साइड्स में कुछ सेल्स थे जिसका नाम क्या था? सब्सिडरी सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट है ना. अच्छा, उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हम लोगों ने पॉइंट क्या देखा था कि हमने ग्राउंड टिश्यू सिस्टम देखा. ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में एपिडर्मिस छोड़ दो, वैस्कुलर बंडल्स छोड़ दो, बीच का सारा मामला इज योर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. फिर आया तुम्हारा वैस्कुलर. वैस्कुलर में हमने क्या देखा? वैस्कुलर में देखा जाइलम और फ्लोएम आएंगे, है ना. अब जाइलम और फ्लोएम कंबाइंड टू फॉर्म वैस्कुलर बंडल्स. डाइकोट्स में तुम्हारी क्या कंडीशन थी? डाइकोट्स में हमने क्या पढ़ा था? इन डाइकोट्स व्हाट वी हैड, ये देखो हमने डाइकोट्स के अंदर देखा कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या है? कैम्बियम है. और तुम्हारा मोनोकोट्स में कैम्बियम नहीं है. कैम्बियम है तो सेकेंडरी ग्रोथ होगा, सेकेंडरी ग्रोथ होगा तो व्हाट विल हैपन? गर्थ बढ़ेगा ना, फाइन. तो इसलिए डाइकोट में क्या हुआ? ओपन वैस्कुलर बंडल्स, वहीं मोनोकोट्स में क्लोज वैस्कुलर, फाइन. अरेंजमेंट दो टाइप का, रेडियल और कॉन्जॉइंट. कॉन्जॉइंट दो टाइप का, कॉन्जॉइंट क्लोज, कॉन्जॉइंट ओपन. रेडियल इज फाउंड इन आर फॉर रेडियल, आर फॉर रूट्स. इतना तो ईजी है ना. ठीक है, अब मैं स्टार्ट करती हूँ डाइकोट रूट से. देखो रूट्स में ना, डाइकोट रूट में एक लेयर होती है जिसका नाम है एपिब्लेमा. क्या बोलते हैं? एपिब्लेमा. तो बाहर की लेयर इज योर एपिब्लेमा विच इज गोइंग टू फॉर्म द यूनिसेलुलर रूट हेयर्स. ठीक है, ये रूट हेयर्स क्या है? एपिडर्मल अपेंडिजेस है. ठीक है, ये सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके अंदर मिलती है कॉर्टेक्स. व्हाट इज कॉर्टेक्स? कॉर्टेक्स जो होता है वो थिन पैरेन्काइमेटस सेल्स से बनता है. तो थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स आर प्रेजेंट. ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट. देखो एकदम थोड़ा थोड़ा स्पेस है उनके अंदर, इंटरसेलुलर स्पेस है ना. नीचे आती है एंडोडर्मिस. ध्यान से सुनो, एपिडर्मिस आई, कॉर्टेक्स आई. कॉर्टेक्स में थिन पैरेन्काइमेटस सेल्स है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है. एंडोडर्मिस बैरल शेप सेल्स दिख रहे, होप यू कैन सी दिस, दीज बैरल शेप सेल्स. इन बैरल शेप सेल्स के बीच में क्या कोई इंटरसेलुलर स्पेस होगा? नहीं होगा. तो यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट. तीसरी इंपॉर्टेंट बात, एंडोडर्मिस के अंदर क्या प्रेजेंट है? वैक्सी कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट. कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर फाउंड इन एंडोडर्मिस, फाइन. चलो, दे आर वाटर इम्परमिएबल एंड वैक्सी. फिर आता है पेरीसाइकल. यहाँ पेरीसाइकल कैसा है? कॉर्टेक्स कैसा था? थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस. पेरीसाइकल कैसा है? थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटस. इजी. चलो अब देखो, इसके अंदर तुम्हारा ये देखो जाइलम फ्लोएम अरेंज होगा. डाइकोट रूट है ना, अगर वो रूट है तो वो कैसे अरेंज होगा? रेडियल होगा ना, जाइलम फ्लोएम ऐसी लेयर होगी. ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जाइलम कैसे अरेंज होगा? कैन यू सी तुम्हारा प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की कंडीशन किधर किधर है? रूट है तो रूट में एग्जैक्ट कंडीशन होती है जिसमें तुम्हारा प्रोटोजाइलम बाहर होता है, मेटाजाइलम अंदर. नाउ कैन यू कोरिलेट? मैं रूट की बात कर रही हूँ, रूट में एग्जैक्ट कंडीशन थी. एग्जैक्ट कंडीशन का मतलब मेटाजाइलम अंदर होगा, प्रोटोजाइलम बाहर होगा, फाइन. दूसरी इंपॉर्टेंट पार्ट, डाइकोट रूट है ना इधर, तो इधर क्या मिलेगा तुम्हें? व्हाट विल यू बी गेटिंग? सेंटर में पिथ होगी, और वो पिथ होगी वो एकदम छोटी सी, स्मॉल इनकॉन्स्पिशियस पे, फाइन. अब देखो ऊपर का मामला छोड़ दो, पेरीसाइकल, वैस्कुलर बंडल और साथ में तुम्हारी पिथ कंबाइंस टू फॉर्म द स्टीलर रीजन, स्टील बोलते हैं. क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टील? ऑप्शन आर पेरीसाइकल, वैस्कुलर बंडल, योर पिथ एंड एंडोडर्मिस. आंसर इज एंडोडर्मिस. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. चलो एनसीईआरटी क्या बोलती है? आउटर मोस्ट लेयर इज एपिब्लेमा. मेनी ऑफ द सेल्स ऑफ एपिब्लेमा प्रोड्यूड इन फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर्स. द कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स. बताओ फटाफट, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट था या एब्सेंट?
और तुम्हारे एंडोडर्मिस में एब्सेंट. क्यों? बैरल शेप सेल थे, एकदम कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट है ना. तो इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस. इट कंप्राइज द सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप सेल्स विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेसेस. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है तुम्हारा, वाटर इम्परमेबल वैक्सी मटीरियल है, दैट इज कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, राइट. उसके बाद क्या है तुम्हारा पेरिसाइकिल. पेरिसाइकिल कैसा था? थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटस है ना. नाउ विथ इज स्मॉल एंड कॉन्स्पिशियस. उसके बाद वैस्कुलर कैम्बियम, लाइकोट है ना, वैस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी रोड टेक प्लेस इन दीज सेल्स. नाउ इम्पॉर्टेंट पार्ट देखो, यहाँ पर तुम्हारे जाइलम और फ्लोएम का नंबर क्या है? जाइलम फ्लोएम का 2 to 4 है, ध्यान रखना कितना, 2 to 4. ठीक है, अब आगे मैं सब कोरिलेशन बताऊंगी. पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल एंड विच कंस्टिट्यूट द स्टील. इससे ज्यादा नहीं पढ़ने का. क्या पढ़ा? एपिब्लेमा है, एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है. कॉर्टेक्स कैसा? थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है. उसके बाद एंडोडर्मिस पढ़ा, एंडोडर्मिस वॉज बैरल शेप था ना, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट. उसके बाद बताओ मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम कैसा? भाई रूट है तो एग्जैक्ट कंडीशन. बोले तो व्हाट? बोले तो मेटाजाइलम अंदर, प्रोटोजाइलम बाहर. रूट है, रेडियल होगा अरेंजमेंट, जाइलम फ्लोएम रेडियस के अलोंग अरेंज होंगे. उसके बाद हमने देखी पेरिसाइकल. पेरिसाइकल वॉज थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटस. क्या वहां पे देखा? अंदर पिच थी. पिच कैसी थी? स्मॉल और इनकॉन्स्पिशियस. डन एंड डस्टेड. बचा कुछ डाइकोट रूट में. मोनोकोट रूट देखो एक मिनट में कैसे खत्म होता है. मोनोकोट रूट में क्या, उधर मैंने जाइलम बंडल्स कितने बोली? 2 to 4. यहाँ पे जाइलम बंडल्स ज्यादा है, मोर देन 6, इसलिए पोलियार बोलते हैं. पहला डिफरेंस, सब सेम है. कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, योर वट एवर इट इज है ना, सब सेम है. इसके अंदर दिख रहा है एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, सब सेम है. डिफरेंस क्या, उधर जाइलम बंडल्स 2 to 4 थे, इधर मोर देन 6 है, तो पोलियार कंडीशन. दूसरा, जो तुम्हारी पिथ है यहाँ पर वेल डेवलप्ड है. दो डिफरेंस है. रूट तो याद हो गई ना पूरी, रूट याद हुई ना पूरी. डाइकोट तुम्हें पता है, मोनोकोट में सिर्फ दो डिफरेंसेस है. पहला, योर पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड, और दूसरा, जाइलम बंडल्स वहां पे 2 to 4 थे, यहाँ पे मोर देन 6 है, इसलिए पोलियार बोला. क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ, मोनोकोट है तो क्या यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ होगी? नहीं होगी यार. क्यों? डाइकोट्स के अंदर कैम्बियम था, इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ हो रही थी. तुम्हारे मोनोकोट्स में कौन सा कैम्बियम था? नहीं था ना, क्लोज वैस्कुलर बंडल्स थे है ना, तो इसीलिए यहाँ पर नो सेकेंडरी ग्रोथ. चलो, द एनाटॉमी ऑफ मोनोकोट रूट इज सिमिलर टू द डाइकोट रूट इन मेनी एस्पेक्ट्स. इट हैज एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल्स एंड पिथ. एज कम्पेयर टू डाइकोट रूट विच हैव फ्यूअर जाइलम बंडल्स, दीज आर यूजुअली मोर देन 6. पॉलियार जाइलम बंडल्स इन मोनोकोट रूट्स. पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड. मोनोकोट रूट डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ. व्हाई? बिकॉज कैम्बियम इज एब्सेंट. क्या तुम्हें रूट समझ में आया? देखो 6 चीजें पढ़नी है. डाइकोट मोनोकोट रूट, डाइकोट मोनोकोट स्टेम, डाइकोट मोनोकोट लीफ. वी आर गोइंग टू कवर 33% पार्ट इसका. डाइकोट रूट, मोनोकोट रूट समझा? वापस बोलूं, डाइकोट रूट में क्या था? एपिब्लेमा था, एपिडर्मिस था, एपिडर्मिस से रूट हेयर्स निकल रहे थे, रूट हेयर्स यूनी सेलुलर होते हैं. उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? उसके बाद हम लोगों ने उसमें देखा कि जो तुम्हारा क्या सीन है, कॉर्टेक्स है. कॉर्टेक्स इज थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस, राइट. अब थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस था तो उसमें क्या देखा तुमने? इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट था. फिर एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस वॉज बैरल शेप. आई वॉन्ट यू गाइस के साथ साथ तुम्हारा रिवाइज हो रहा हूँ, ठीक है ना, मुझे नहीं ये शौक बार बार रिपीट करने का. एंडोडर्मिस बैरल शेप सेल्स है, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होगा. अब मैं एक बात बताऊँ, रूट है तो एग्जैक्ट कंडीशन. एग्जैक्ट कंडीशन बोले तो व्हाट? मेटाजाइलम अंदर, प्रोटोजाइलम बाहर. दूसरी चीज, रूट है इसलिए अरेंजमेंट कैसा? रेडियल होगा, तो जाइलम फ्लोएम अलोंग द रेडियस प्रेजेंट होंगे. जाइलम कितना प्रेजेंट है? जाइलम पैचेस कितने हैं? 2 to 4 प्रेजेंट है. अच्छा, और क्या बताया? पिथ इज स्मॉल एंड इनकन्स्पिशियस. मोनोकोट रूट में क्या डिफरेंसेस आए? फिर जाइलम बंडल्स मोर देन 6 हो गए, पोलियार कंडीशन. दूसरा क्या बताया मैंने उसमें? योर पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड. रूट पूरा हुआ, ओके. अब स्टेम ऐसे ही खत्म करते हैं, बहुत ईजी है. अब स्टेम में क्या होगा? स्टेम में होंगे तुम्हारे ट्राइकोम्स. ट्राइकोम्स क्या होते हैं? ट्राइकोम्स आर मल्टी सेलुलर एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मिस. दूसरी चीज, स्टेम है तो स्टोमेटा प्रेजेंट होगा.
एक चीज और बताई थी मैंने स्टेम के लिए, क्यूटिकल प्रेजेंट होगा तो एपिडर्मिस के ऊपर तुम्हें क्यूटिकल मिलेगा। अब इसमें जो जो बता रही हूँ वही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। पहले तुम्हारा एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के बाद होता है तुम्हारा हाइपोडर्मिस। क्या आता है? हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस इधर किसका बना है? इधर बना है कोलेनकाइमा का। वेरी इंपॉर्टेंट नीड पे बहुत बार आया हाइपोडर्मिस किसका बना? कोलेनकाइमा का। किसमें? डाइकोट स्टेम में। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया, एपिडर्मिस, उसके ऊपर क्यूटिकल, ट्राइकोम्स होंगे, ट्राइकोम्स आर मल्टीसिलिंडर। एपिडर्मिस के नीचे यू हैव हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ कोलेनकाइमा। इज दैट क्लियर? उसके बाद आती है तुम्हारी कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स वही तुम्हारी पैरेनकाइमा की बनी है। देन यू हैव योर एंडोडर्मिस। भाई ये वेरी इंपॉर्टेंट, एंडोडर्मिस जो है ना, यहाँ की जो एंडोडर्मिस है इज रिच इन स्टार्च ग्रेन्स। स्टार्च ग्रेन्स में रिच है इसलिए इसको बोलते हैं स्टार्च शीथ। इंपॉर्टेंट। उसके बाद पेरिसाइकल, पेरिसाइकल जो है वो सेमी लूनार पैचेस है। किसका? स्क्लेरेनकाइमा का। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? वापस बोलूँ, अभी तक का पार्ट आधा हुआ है डाइकोट स्टेम। सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके ऊपर क्यूटिकल होगा, ठीक है। क्या ट्राइकोम्स प्रेजेंट होंगे? ट्राइकोम्स यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर? मल्टीसेलुलर, ठीक है। एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस किसकी बनी हुई है? कोलेनकाइमा की बनी हुई है। फिर आ जाओ कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स कैसा? पैरेनकाइमेटस। उसके नीचे एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस की खास बात स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट है, स्टार्च शीथ बोलने का। उसके नीचे पेरिसाइकल, पेरिसाइकल की खास बात सेमी लूनार पैचेस मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। अब मुझे एक बात बताओ, मैं स्टेम की बात कर रही हूँ तो क्या एंडार्क कंडीशन मिलेगी मेरे को? हाँ मिलेगी, मतलब प्रोटोजाइलम अंदर, मेटाजाइलम बाहर। दूसरी चीज, क्या मुझे यहाँ पे कॉन्जॉइंट मिलेगा? मिलेगा। डाइकोट है तो ओपन मिलेगा? पढ़ के देखो, कॉन्जॉइंट ओपन एंडार्क। आ रहा कि नहीं आंसर? एंडार्क क्यों? याद आया, एंडार्क स्टेम, प्रोटोजाइलम अंदर, मेटाजाइलम बाहर, है ना? कॉन्जॉइंट पढ़ा था ना, स्टेम के अंदर मिलता है। चलो नाउ एनसीईआरटी, सी एनसीईआरटी की पढ़ के देख लेना यार। ओके, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टिपिकल यंग डाइकोट स्टेम शोज दैट एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल। इट मे बियर ट्राइकोम्स एंड फ्यू स्टोमेटा। सेल्स आर अरेंज्ड बिटवीन द जोन्स। सबसे बाहर हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमेटस सेल्स है, उसके नीचे यू हैव विच प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ। देन यू हैव द कॉर्टिकल लेयर्स बिलो हाइपोडर्मिस विच कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स। उसके बाद यू हैव द एंडोडर्मिस विच इज रिच इन स्टार्च ग्रेन्स विच इज रेफर्ड एज स्टार्च शीथ। पेरिसाइकल के बारे में क्या बोला? प्रेजेंट ऑन इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस एंड सेमी लूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है, तुम्हारी पिथ है, नथिंग इंपॉर्टेंट। डन विद डाइकोट स्टेम, मोनोकोट स्टेम पे आ जाओ। मोनोकोट स्टेम में देख के भी पहचान सकते हो, इतना ईजी होता है। ऐसे है ना, भूत जैसे शहर दिखते हैं, ऐसे आम कान ऐसा दिखता है, देख सकते हो उसके अंदर ऐसा, ठीक है? इफ यू गाइज कैन सी दिस। तो क्या खास बात है? बाहर एपिडर्मिस है, नीचे हाइपोडर्मिस होगा, होगा। हाइपोडर्मिस उधर कैसा था? कोलेनकाइमेटस। पेरिसाइकल कैसा था? सेमी लूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। इधर हाइपोडर्मिस हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा का, ठीक है ना? तो स्कैटर्ड स्क्लेरेनकाइमेटस, फाइन। चलो दूसरा, कॉन्जॉइंट क्लोज्ड। क्लोज्ड क्यों? मोनोकोट है, कैम्बियम नहीं होगा, राइट? फ्लोएम पैरेनकाइमा एब्सेंट। फ्लोएम पैरेनकाइमा के टाइम पे ही बताया था मैंने कि मोनोकोट स्टेम में एब्सेंट होते हैं, राइट? अब द मोनोकोट स्टेम हैज स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस, अ लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स, ईच सराउंडेड बाय स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ। क्या होता है इधर? बंडल शीथ सेल्स प्रेजेंट होते हैं वैस्कुलर बंडल्स के बाहर, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। लार्ज कॉन्स्पिशियस ग्राउंड टिश्यू, वैस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट एंड क्लोज। इंपॉर्टेंट है, कॉन्जॉइंट है, क्लोज है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है? फ्लोएम पैरेनकाइमा एब्सेंट। चलो डाइकोट लीव, स्टेम इजी था ना पूरा, स्टेम में कुछ नहीं है, बहुत इजी है। डाइकोट स्टेम में क्या क्या इंपॉर्टेंट था? हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा की बनी है, कॉर्टेक्स में पैरेनकाइमा भरा हुआ है। देन यू हैव तुम्हारा पैरासाइकल के अंदर क्या था? सेमी लूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। और क्या पढ़ा? एंडोडर्मिस स्टार्च ग्रेन स्टार्च शीथ। से ऊपर कुछ नहीं था, कॉन्जॉइंट ओपन एंडार्क कंडीशन।
डाइकोट स्टेम के बाद मोनोकोट स्टेम में क्या पड़ा, मोनोकोट स्टेम में यू है तुम्हारा जो एंडोडर्मिस है वो क्लेरेंटाइमेटस हो गया, एकदम स्कैटर्ड है ना। और क्या था उसके अंदर, और वी हैव कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड। क्लियर। अब बात करते हैं डाइकोट लीफ की। लीफ में कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। एपिडर्मिस है, ऊपर की तरफ जो एपिडर्मिस है उसको बोलते हैं एडेक्सियल एपिडर्मिस, और नीचे की तरफ बोलते हैं एबेक्सियल एपिडर्मिस। ठीक है, एडेक्सियल ऊपर, एबेक्सियल नीचे, फाइन। स्टोमेटा ज्यादा कहाँ प्रेजेंट है, नीचे एबेक्सियल, ताकि अगर ऊपर हुआ तो वाटर लॉस जल्दी होगा ना, नीचे छुप के बैठा रहेगा तो वाटर लॉस कम होगा। तो स्टोमेटा एबेक्सियल राइट में ज्यादा है एज कम्पेयर टू एडेक्सियल, वरना एडेक्सियल पे तो कभी कभी होता भी नहीं है, फाइन। चलो उसके बाद इसके बीच में ना सेल्स है मीजोफिल, क्या भरा हुआ है, मीजोफिल। मीजोफिल दो में डिवाइडेड है, पैलिसेड और स्पॉन्जी। पैलिसेड ऊपर वाले एपिडर्मिस मतलब एडेक्सियल एपिडर्मिस के पास है, और जो तुम्हारा स्पॉन्जी है वो क्या है, नीचे वाले एपिडर्मिस के पास है ना। इसके बाद ये क्या बोल रहा है, द वर्टिकल सेक्शन ऑफ डाइकोट लीफ शोज सबसे बाहर एपिडर्मिस, अपर सरफेस का एडेक्सियल, लोअर सरफेस का एबेक्सियल, राइट। उसके बाद एबेक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर्स मोर स्टोमेटा, बाय अगर ऊपर की तरफ ऊपर वाले एपिडर्मिस पे स्टोमेटा ज्यादा हुआ तो वाटर लॉस ज्यादा होगा कि नहीं होगा, है ना, इसलिए स्टोमेटा छुप के बैठा है नीचे। ठीक है ना, बीच में मीजोफिल सेल है, मीजोफिल क्लोरोप्लास्ट होता है तो फोटोसिंथेसिस करते हैं। पैलिसेड एंड स्पॉन्जी, पैलिसेड ऊपर मिलता है इलोंगेटेड सेल्स, दिख रहा है इलोंगेटेड सेल्स, और स्पॉन्जी आर योर सर्कुलर सेल्स, है ना। नाउ द ओवल सेल्स दैट आर योर स्पॉन्जी, न्यूमरस लार्ज सेल्स, ओके, और कुछ खास काम करिए, बंडल शीट सेल्स प्रेजेंट है, फाइन। सो इज दैट मच क्लियर फॉर यू गाइस। उसके बाद मैं बात करती हूँ मोनोकोट लीफ की। ठीक है, मोनोकोट लीफ में पता क्या डिफरेंस है, वही एडेक्सियल एबेक्सियल वही चीज़ें हैं। मीजोफिल ना डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता पैलिसेड और स्पॉन्जी में, पहला डिफरेंस। दूसरा, यहाँ पे स्पेशल टाइप के सेल्स आते हैं, बुलीफॉर्म सेल्स। ठीक है, मोनोकोटिलेडोनस लीफ का नाम आइसोवाइलेटरल लीफ। ठीक है, अब आइसोवाइलेटरल लीफ के बारे में क्या बोल रहा है कि आपका जो स्टोमेटा है, पहली बात, दोनों सरफेस में मिलेगा। डाइकोट में कैसा था, नीचे ज़्यादा मिलेगा, यहाँ पे दोनों में सेम है, तो स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन बोथ सर्फेसिस, पहला इंपॉर्टेंट। मीजोफिल इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी, तो मीजोफिल लिखा है उसने अपने उसके अंदर, राइट। इन ग्रास सेल्स व्हाट हैपेंस, वहाँ पर एक लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स बनते हैं, दिख रहे हैं बीच में, दिस वन, इसको हम क्या बोलेंगे अंदर, बुलीफॉर्म सेल्स। और ये बुलीफॉर्म सेल्स अगर इसने वाटर भर लिया अपने अंदर तो क्या होगा, अगर वाटर भर लिया तो व्हाट विल बी हैपन, आपका लीफ का सरफेस एक्सपोज हो जाएगा, अगर वाटर छोड़ दिया, श्रिंक हो गया, तो लीफ एकदम सिकुड़ जाएगी, है ना। चलो डन, इजी पीजी, राइट। हाँ, एक बार रिवाइज करते हैं लास्ट बार, ठीक है। डाइकोट रूट पे, तो सबसे पहले डाइकोट रूट पे क्या पड़ा था याद करो, लेके जाओ डाइकोट रूट पे, डायग्राम देख देख के बता दो, बट एक बार बता दो, ठीक है, अफकोर्स यू कैन नॉट टेल, बट ठीक है। हाँ, क्या देखा था हमने डाइकोट रूट में, सबसे पहले बाहर एपिब्लेमा, रूट हेयर्स थे, तुमने एपिडर्मिस देखी, कॉर्टेक्स देखा, कॉर्टेक्स थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट, नीचे आया मेरा एंडोडर्मिस बैरल शेप सेल्स, तो इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट, पिथ वॉज इनकन्स्पिशियस एंड वेरी स्मॉल, राइट। ठीक है, एंडोडर्मिस के पास एक स्ट्रिप्स थी, कौन सी थी, कैस्पेरियन स्ट्रिप, वाटर परमिएबल या वाटर इम्परमिएबल, इम्परमिएबल, राइट। चलो उसके बाद और क्या बचा इसके अंदर, ओके, मोनोकोट रूट, मोनोकोट रूट में क्या डिफरेंस था, उधर साइलम बंडल्स दो से चार थे, इधर कितने हैं, मोर देन सिक्स, तो पोलियार बोलने का ना, ओके। दूसरा पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड, कॉन्जॉइंट क्लोज ओपन, वो तुम देख लेना कहाँ रेडियल कहाँ क्या, इनमें रेडियल होगा, है ना, रूट है। डाइकोट स्टेम में क्या देखा, एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल, देन यू हैव द हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ कोलेनकाइमा, एंडोडर्मिस इज मेड अप ऑफ स्टार्च ग्रेन्स, रिच इन स्टार्च ग्रेन, कॉर्टेक्स में क्या है, पैरेन्काइमा भरा हुआ है, पेरिसाइकल में सेमी लूनार पैचेस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, राइट। चलो उसके बाद मोनोकोट स्टेम पड़ी, मोनोकोट स्टेम में तुम्हारा हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमा का बना हुआ था, बाकी सब ठीक है, थोड़े बहुत। डाइकोट लीफ एडेक्सियल एबेक्सियल, एडेक्सियल में कम थे स्टोमेटा, एबेक्सियल में ज्यादा थे, है ना। और क्या पढ़ा इधर,
मीजोफिल डिवाइडेड है पैलिसेड और स्पॉन्जी। मीजोफिल के पास क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, राइट। इससे ज्यादा इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, बंडल शीट सेल्स प्रेजेंट है। मोनोकोट लीफ में क्या होता है, तुम्हारा मीजोफिल सेल इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी, और क्या यहाँ पे मोनोफॉर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े खाली कलरलेस सेल्स होते हैं। आई होप थोड़ा सा इजी लगा होगा, आई ट्राइड माय बेस्ट, बट तुम्हें पढ़ना पड़ेगा ऑफकोर्स, ठीक है, बिना पढ़े तो नहीं आएगी एनाटॉमी, ठीक है। आगे जाके ह्यूमन एनाटॉमी पढ़नी है ना, मसल्स, डेल्टॉइड, ब्रेकियलिस, व्हाटएवर इट इज, मसल्स पढ़नी है तो अभी प्लांट एनाटॉमी में थोड़ा सा टाइम दे दो, आगे कॉलेज लाइफ बहुत चल रहा है। काश मैं सकते पर ऑफकोर्स इट इज़ नॉट, बट स्टिल वो डॉक्टर का टैग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, ठीक है। चलो, नॉट गिविंग यू एनी फेक होप्स, चिल नहीं है, पढ़ना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है, ठीक है। मीट हो जाए तुम लोगों का, वी विल बी हैविंग अ वेरी लाइक यू नो एकदम ट्रूथ वाला सेशन, विल टेल द एग्जैक्ट सिचुएशन ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, बट ठीक है अभी डोंट गो बिहाइंड द टॉपिक। बात करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ की, व्हाट इज सेकेंडरी ग्रोथ, गर्थ बढ़ रही है, राइट। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अब तुम्हारी गर्थ बढ़ रही है, अब मैंने तुम्हें सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में अब तक क्या क्या बताया। हाँ, डाइकोट और मोनोकोट में मैंने कैम्बियम बताया था कि डाइकोट में कैम्बियम है, मोनोकोट में कैम्बियम नहीं है। अच्छा अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ठीक है। होता क्या है, व्हाट हैपेंस, एक बनती है तुम्हारी, देखो दो, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्रा मतलब अंदर ही अंदर, इंटर मतलब बाहर भी बन रही है, मतलब ये देखो इसके अंदर अंदर ये जो बन रही है ना, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, ये अलग अलग बन रहे हैं ना, इनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंट्राफेसिकुलर, क्या बोलोगे, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। अब ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इसकी मेडुलरी रेस से जब मिल जाती है ना, तो ये ना एक कंप्लीट लेयर बनाती है ऐसी, जिसको बोलते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और द कैम्बियल रिंग। कैन यू सी दिस, ये रिंग बन रहा है, दिखा, तो अभी ये कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आया कि ये बना कैसे। सबसे पहले इंट्राफेसिकुलर बना अंदर ही अंदर, फिर मेडुलरी रेस से मिलके पूरा बन गया इंटरफेसिकुलर, इंटर मतलब आपस में, इंट्रा मतलब अपने एक के अंदर, अपने एक के अंदर बना तो इंट्राफेसिकुलर, जब मेडुलरी रेस मिल गई तो पूरा एक रिंग बन गया जिसको हमने बोला कैम्बियल रिंग, दैट इज योर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। क्या इतना तुम्हें समझ में आया, व्हाट एनसीईआरटी सेज अबाउट इट इज द ग्रोथ ऑफ द प्लांट की, छोड़ो यहाँ से आता हूँ, इन डाइकोट स्टेम है ना, द सेल्स ऑफ कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम इज द इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, अंदर बना। द सेल्स ऑफ मेडुलरी रेस एडजॉइनिंग दीज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बिकम द मेरिस्टमेटिक एंड फॉर्म इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, दस अ कंटिन्यूअस रिंग ऑफ कैम्बियम इज फॉर्म। क्या तुम्हें इतना समझ में आया, चलो अब ये कैम्बियम रिंग बनी है भाई, ये रिंग इतनी एक्टिव है वो नए नए सेल्स बनाती है, ठीक है, अंदर की तरफ बढ़ेगी बाहर की तरफ भी बढ़ेगी, ध्यान से सुनना, ये रिंग है, ये मैंने रिंग बनाई, ये रिंग अंदर की तरफ भी बढ़ रही है ना, और बाहर की तरफ भी बढ़ रही है, अंदर की तरफ बढ़ रही है और सेकेंडरी जाइलम बना रही है, अंदर की तरफ बढ़ रही है सेकेंडरी जाइलम बना रही है, बाहर की तरफ बढ़ रही है सेकेंडरी फ्लोएम बना रही है, इतना कॉन्सेप्ट समझा, ठीक है। लेकिन ये ना इक्वालिटी में बिलीव नहीं करती, इसको मजा आता है अंदर बढ़ने में, अंदर ज्यादा बढ़ेगी तो क्या सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, अगर अंदर सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बढ़ेगा तो जो पहले प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम पड़ा था पहले का वो क्रश हो जाएगा और अपना नया सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम वहां पे जमा हो जाएगा। क्या तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा, नहीं समझा क्या, कैम्बियल रिंग थी बहुत एक्टिव थी, अंदर भी बढ़ेगी बाहर भी बढ़ेगी, मतलब सेंटर में पिच की तरफ भी बढ़ेगी बाहर भी बढ़ेगी, ठीक है, अंदर बढ़ेगी सेकेंडरी जाइलम बनाएगी, बाहर बढ़ेगी सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगी, पर वो अंदर की तरफ ज़्यादा बढ़ती है तो अंदर ज़्यादा बढ़ती है तो क्या बना लेगी, ज़्यादा सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा बनाएगी ना, और ये ज़्यादा बनेगा तो प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम एकदम क्रश हो जाएंगे, है ना, और सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम एकदम कॉम्पैक्ट मास बढ़ता जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, ये देखो
कैम्बियल रिंग बहुत एक्टिव, मोर एक्टिव टुवर्ड्स इनर साइड टू सेकेंडरी जाइलम मोर देन सेकेंडरी फ्लोएम। तो प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम पर आपके क्रश, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम एक्यूमुलेट्स और साथ में सेकेंडरी मेडुलरी रेज भी बनती है। इसी था कि नहीं था, क्या था सेकेंडरी ग्रोथ में? अंदर तुम्हारा कैम्बियम था, अंदर ही अंदर साले ने छुप छुपा के इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम बना लिया। जब वो मेडुलरी रेज से बन मिला, उसने बना लिया इंटर फेसिकुलर कैम्बियम, बन गई पूरी कैम्बियल रिंग। अब वो कैम्बियल रिंग बहुत एक्टिव है, अंदर की तरफ भी बढ़ती है बाहर की तरफ भी बढ़ती है। अंदर की तरफ बढ़ेगी तो क्या बनाएगी? सेकेंडरी जाइलम, बाहर की तरफ बढ़ेगी तो सेकेंडरी फ्लोएम। बट अंदर की तरफ ज़्यादा बढ़ जाती है तो सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा बन जाता है। ज़्यादा बढ़ रहा है तो व्हाट हैपेंस? प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम क्रश हो जाएगा। तो व्हाट विल हैपन? तुम्हारा सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम एक्यूमुलेट होगा, है ना, और साथ में क्या बनेगा? सेकेंडरी मेडुलरी रिंग्स। इजी था कि नहीं था, है ना? पढ़ के देखो, कैम्बियल रिंग बिकम्स एक्टिव एंड बिगिंस टू कट ऑफ न्यू सेल्स बोथ टुवर्ड्स द इनर एंड आउटर साइड्स। द सेल्स कट ऑफ टुवर्ड्स द पिथ टू सेकेंडरी जाइलम एंड आउटवर्ड्स टुवर्ड्स द पेरिफेरी टू फॉर्म द सेकेंडरी जाइलम। द कैम्बियम इज जनरली मोर एक्टिव ऑन इनर साइड दैन टू आउटर। एज अ रिजल्ट कौन ज्यादा बनेगा? वापस बताओ, सेकेंडरी जाइलम। द अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस इज मोर देन सेकेंडरी फ्लोएम एंड सून फॉर्म्स अ कम्पैक्ट मास। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम गेट्स ग्रेजुअली क्रश्ड ड्यू टू कंटिन्यूस फॉर्मेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम। बात समझ में आ रही है? और बाद में क्या बनती है? सेकेंडरी मेडुलरी रिंग्स। वी हैव कवर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एनाटॉमी। जो तुम बोलते थे इतना इतना मुश्किल है, क्या मुश्किल था इसमें? गिन की थोड़ी सी बातें थी, अंदर बढ़ता है बाहर बढ़ता है, अंदर ज्यादा बढ़ता है तो अंदर सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनता है, खत्म। इजी था ना? ठीक है, अब मैं बात करती हूँ, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो पढ़ते हैं, फिर देन विद योर एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स and you are one step more towards your human anatomy first year subject, right? चलो अब देखो, स्प्रिंग वुड ऑटम वुड, ठीक है? देखो, जो तुम्हारी कैम्बियम, मैंने बोला कि कैम्बियम बहुत एक्टिव है ना, कैम्बियम की एक्टिविटी ना बहुत चीज़ों पे डिपेंड करती है कि उसका फिजियोलॉजी कैसा है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कैसे हैं, क्लाइमेट कैसा है, ठीक है? सो फर्स्ट लाइन एनसीईआरटी सेज इज द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम इज अंडर द कंट्रोल ऑफ मेनी फिजियोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। टेम्परेट रीजन्स में क्या होता है, तुम्हारा क्लाइमेटिक कंडीशन एकदम यूनिफॉर्म नहीं रहता, बदलता रहता है। तो व्हाट हैपन्स? स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, तुम्हारा कैम्बियम इज वेरी एक्टिव। कैम्बियम कैसा? बहुत एक्टिव। तो क्या ज़्यादा वैलरी एलिमेंट्स बनेंगे? बनेंगे। तो ज़्यादा वेसल्स बनेंगी? बनेंगी, विथ वाइडर कैविटीज। तो इस टाइम पर जो वुड बनती है उसको बोलते हैं स्प्रिंग वुड या अर्ली वुड। स्प्रिंग सीजन में तुम्हारा कैम्बियम ज़्यादा एक्टिव है तो क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट्स बनेंगे, जाइलम वाले एलिमेंट्स बनेंगे ना ज़्यादा, ठीक है? हैविंग वेसल्स विद वाइडर कैविटीज वाटर चढ़ाने के लिए, है ना? तो इसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंग वुड या अर्ली वुड। विंटर में क्या होता है, ठंड में हम लोग बहुत कम एक्टिव होते हैं ना, है ना, आलस आता है, तो कैम्बियम इज लेस एक्टिव एंड इट फॉर्म्स फ्यूअर जाइलरी एलिमेंट्स। दो वेसल्स नैरो बनाएगा, कम काम करे तो नैरो, ज़्यादा काम करे तो वाइडर, कम काम किया तो नैरो वेसल्स। एंड दिस वुड इज नोन एज ऑटम वुड और लेट वुड। इज दैट मच क्लियर? वापस याद करो, स्प्रिंग वुड या फिर अर्ली वुड क्या होती है, स्प्रिंग टाइम पे योर कैम्बियम इज वेरी एक्टिव, कैम्बियम ज़्यादा होगा तो जाइलरी एलिमेंट ज़्यादा बनेंगे, वेसल्स बनेगी वाइडर कैविटी वाली, उसको क्या बोला, अर्ली वुड, फाइन, अर्ली या स्प्रिंग वुड। ठंड में क्या होता है, विंटर के टाइम पे क्या होता है, तुम्हारा कैम्बियम इज नॉट वेरी एक्टिव, तो जाइलरी एलिमेंट्स कम बनेंगे, तो जो वेसल्स होंगी वो एकदम नैरो ल्यूमेन वाली बनेंगी, खत्म। दैट इज योर ऑटम और लेट वुड। नाउ स्प्रिंग वुड इज लाइटर इन कलर एंड हैव लो डेंसिटी, वेर एज ऑटम वुड इज डार्कर एंड हैज हाई डेंसिटी। द टू काइंड ऑफ, अब देखो दो वुड्स बने, जो तुम्हारी स्प्रिंग वुड है, अर्ली वुड है, वो एकदम लाइट लाइट और लो डेंसिटी की है। ऑटम वुड जो बाद में बनी, एकदम डार्क डार्क और हाई डेंसिटी की है। अभी जो दो वुड्स है ना, दो रिंग्स हैं, ऐसे कॉन्सेंट्रिक स्ट्रक्चर में बनती है। अब एक बात सोचो, लाइट डार्क कॉन्सेंट्रिक बन रहा है ना, इसको बोलते हैं एनुअल रिंग। और एनुअल रिंग जो है इट एस्टिमेट्स द एज ऑफ अ ट्री। इजी पीजी ये पैराग्राफ क्या तुम्हें समझ में आया? शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन? स्प्रिंग में
क्या होता है, योर कैम्बियम इज वेरी मच एक्टिव, ज्यादा एक्टिव तो ज्यादा ज़ाइलरी एलिमेंट, ज्यादा वेसल्स विद मोर वाइडर कैविटीज, उसको बोला तुमने स्प्रिंग या अर्ली वुड। ठंड के टाइम पे, विंटर के टाइम पे कैम्बियम इज लेस एक्टिव, तो लेस ज़ाइलरी एलिमेंट्स, तो व्हाट विल हैपन, तुम्हारे वेसल्स का जो ल्यूमेन होगा वो नैरो हो जाएगा। क्या बोलोगे, ऑटम या लेट वुड। स्प्रिंग वुड जो सबसे पहले पड़ी, अर्ली वुड लाइटर एंड लो डेंसिटी, दूसरे वाला हाई डार्कर एंड मोर डेंसिटी। ये कंसेंट्रिक रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट है, इट फॉर्म्स द एनुअल रिंग एंड दिस एनुअल रिंग एस्टिमेट्स द एज ऑफ द ट्री। डन एंड डस्टेड क्लियर, फाइन। चलो अब आता है हार्डवुड एंड सॉफ्टवुड। इन ऑल ट्रीज द ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ दिस। देखो इतने पुराने पुराने ट्रीज हैं क्योंकि उनका गर्थ बहुत बढ़ चुका है, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ तो बहुत हो चुका है, तो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा बनता है ना। तो व्हाट हैपेंस, यहाँ पे जो तुम्हारा सेकेंडरी जाइलम है वो एकदम डार्क ब्राउन हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक्यूमुलेट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कौन कौन से, याद रखना, टैनिंस, रेजिन्स, ऑयल्स, गम्स, एरोमेटिक सब्सटेंस एंड एसेंशियल ऑयल्स, ठीक है, अंदर और इनर मोस्ट लेयर्स पे, ठीक है। इसकी वजह से उसको हार्ड बनाते हैं, ड्यूरेबल बनाते हैं, रेजिस्टेंट बनाते हैं टू अटैक्स, ठीक है। नाउ द रीजन, दिस रीजन कंप्राइजेस डेड एलिमेंट्स विद हाईली लिग्निफाइड वॉल्स, उसको क्या बोलते हैं, हार्डवुड। क्या बन गया, सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बढ़ गए, डेड हो गया, तो क्या बोलोगे, हार्डवुड। नाउ द, अब डेड है तो क्या वो वाटर कंटेंट करेगा, नहीं करेगा ना, सॉरी। तो हार्डवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट मैकेनिकल सपोर्ट प्रेजेंट करेगा। पर बाहर वाला, देखो अंदर की तरफ तुम काटते हो ना, एकदम तुमने देखा होगा जो ओल्ड ट्रीज को काटते हैं तो अंदर की तरफ बहुत डार्क होता है, बाहर की तरफ लाइट होता है ना। वो अंदर की तरफ डार्क क्यों है, क्योंकि सेकेंडरी साइलम के अंदर क्या हुआ, टैनिंस, रेजिन्स वगैरह हो गए, फाइन, जमा हो गए, जिसकी वजह से वो डार्क ब्राउन हुआ, इसकी वजह से वो डेड हो गया। तो वहाँ पे वाटर तो कंडक्ट होगा नहीं, पर मैकेनिकल सपोर्ट ज़रूर प्रोवाइड होगा। लेकिन जो बाहर वाला पार्ट है वो लाइटर है ना, वहाँ पे ये सब कुछ जमा नहीं हुआ, तो वहाँ पे वाटर कंडक्शन होगा, उसको क्या बोलोगे तुम लोग, उसको हम बोलेंगे सैफवुड, क्लियर ना। कॉल कैम्बियम, लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म करते हैं। As the stem continues to increase in girth due to activity of vascular cambium, the outer cortical and epidermal layers get broken and need to be replaced to provide new protective cell layers. अंदर वैस्कुलर बंडल्स तुम लोग बना रहे हो, तुम लोग नया नया काम कर रहे हो सारा, है ना, गर्थ बढ़ा रहे हो, फाइन। बाहर भी तो लेयर्स थी ना, कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, उनका क्या, वो टूटने लगती है और नई लेयर्स बनाने लगती हैं, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस, नया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आता है जिसको बोलते हैं कॉर कैम्बियम, वहाँ पे वैस्कुलर कैम्बियम बना, यहाँ क्या बनेगा, कॉर कैम्बियम, कॉर्टेक्स, कॉक कैम्बियम। कॉक कैम्बियम का दूसरा नाम वेरी इंपॉर्टेंट फेलोजन, क्या बनता है वहाँ पर, कॉक कैम्बियम बनता है कॉर्टेक्स रीजन में। अब यहाँ पे क्या होता है, कॉक कैम्बियम ठीक होता है पहली बात तो, ठीक है। अब देखो कैसे बनता है, ध्यान से सुनना, मैं बात करती हूँ, जो बाहर वाले सेल होंगे ना, आउटर सेल्स डिफ्रेंशिएट इनटू कॉर्क, क्या बनाएंगे, कॉर्क। कॉर्क को क्या बोलते हैं, फेलम। कॉर कैम्बियम को क्या बोला, फेलोजन, ठीक है। उसकी लेयर्स हैं बहुत थिक है, जो आउटर लेयर्स है ना वो क्या बनाती है, कॉर्क, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेलम। और अंदर वाली सेल्स क्या बनाती है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, जिसको क्या बोलते हो, फेलोडर्म। क्या मैं वापस बताऊँ, देखो अंदर वैस्कुलर बंडल्स का काम चल रहा था, तो एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स ने सोचा भाई अंदर काम चल रहा है, हम भी नए बन जाते हैं, हम क्यों प्राइमरी कॉर्टेक्स रहे, मैं भी सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनूंगा। तो वहाँ क्या आता है, कॉर कैम्बियम। कॉर कैम्बियम जो है थिक होता है, डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट होती है उसमें, तो जो आउटर लेयर की सेल्स है ना वो क्या करती है, कॉर को बनाती है। देखो कॉर कैम्बियम था उसका, उसको बोलते हैं फेलोजन। बाहर वाली जो लेयर्स हैं वो क्या बनाएगी, कॉर, जिसको हम बोलते हैं फेलम। अंदर वाली डिफ्रेंशिएट टू फॉर्म सेकेंडरी कॉर्टेक्स, जिसको बोलते हैं हम फेलोडर्म, क्लियर। अब जो कॉर्क है, इम्पर्वियस टू वाटर ड्यू टू सुबेरियन डिपोजिशन, द सेल्स ऑफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स आर पेरेन्काइमेटस। नॉर्मल कॉर्टेक्स का भी पेरेन्काइमेटस था, इसका भी पेरेन्काइमेटस। नाउ फेलोजन, फेलम एंड फेलोडर्म कलेक्टिवली नोन एज पेरिडर्म, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉर्क कैम्बियम, फेलोजन, योर कॉर्क, फेलम एंड फेलोडर्म इज योर सेकेंडरी कॉर्टेक्स, इन सबको मिलाया तो पेरिडर्म, इजी। नाउ अब यहाँ पे प्रेशर डेवलप होगा, अब यहाँ पे बनती है बार्क। बार्क इज नॉन टेक्निकल टर्म, ठीक है, विच रेफर्स टू द टिश्यूज आउटसाइड द वैस्कुलर कैम्बियम, जिसके बाहर जो भी है, ठीक है।
मतलब तुम्हारा अंदर का जो पार्ट है उसके बाहर जो भी है ना, दैट इज योर नथिंग बट योर बार्क, जिसमें तुम्हारा सेकेंडरी फ्लोएम भी इंक्लूडेड है, ठीक है। बाद में तुम्हारा पेरिडम पूरा आता है, मतलब तुम्हारा कॉक कैम्बियम, कॉक, सेकेंडरी कॉर्टेक्स और सेकेंडरी फ्लोएम, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ बाग दैट इज फ्रॉम अर्ली इन द सीजन उसको अर्ली बाग बोलेंगे और बाद में बनेगी उसको लेट बाग बोलेंगे, फाइन, खास इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तुम लेंटिसल्स पढ़ लेना, लेंटिसल्स क्या करवाते हैं, गैसेस एक्सचेंज कराते हैं, फाइन। चलो सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स, डाइकोट स्टेम में तो होता है, रूट्स में कैसा होता है, रूट्स में पता क्या होता है, द वैस्कुलर कैम्बियम इज कम्प्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन, खास काम का नहीं है, बस इसकी एक बार रीडिंग लगा लेना, मेन आंसर तुम्हारा क्वेश्चन डाइकोट स्टेम से, ठीक है। सो या डन एंड डस्टेड, इजी पीजी था, चैप्टर बहुत ईजी है, ठीक है, पढ़ के देखो, लिटरली वेरी ईजी, कुछ नहीं है इसके अंदर, लिटरली कुछ भी नहीं है। क्या था सेकेंडरी ग्रोथ में, क्या था हार्डवुड सैपवुड, क्या था उसके अंदर, कोर कैम्बियम में क्या था, कोर कैम्बियम थी, बाहर की लेयर्स क्या बन गई, तुम्हारी कोर बन गई जिसको फेलम बोला, अंदर वाली को सेकेंडरी कॉर्टेक्स बोला जिसको हम फेलोडर्म बोलते, सबको मिला के पेरिडर्म बोल दिया। बाग में क्या क्या आता है, पेरिडर्म आता है और तुम्हारा सेकेंडरी फ्लोएम आता है। डन एंड डस्टेड विद द चैप्टर, ठीक है ना। सो इस चैप्टर को छोड़ के मत जाना, मैं भी सोच रही थी छोड़ के जाने का, नीट के दिन सुबह सुबह ही पढ़ा था, रीडिंग लगाई थी, मैंने नहीं समझा था, ठीक है, टेलिंग द रियलिटी। तो अभी तुम्हारे पास टाइम है, अभी एनाटॉमी बहुत इजी है, पढ़ लेना, क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो बाय बाय।